हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखते हैं ये तो कोविड-19 के दौरान हम अच्छे से समझ चुके हैं। हमें भी अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अक्सर हम सभी के साथ एक समस्या होती है कि हम पेड़ पौधे लगाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता, या तो हम जॉब करते हैं या फिर हम बिजनेस करते हैं या घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम अधिक समय पौधों को नहीं दे पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपको अपने घर में एक ग्रीन एरिया क्रिएट करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी हार्डी प्लांट्स के बारे में, यानी कि ऐसे प्लांट के बारे में जो कि बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं। तो यदि आप बिगिनर्स हैं, आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ना हार्डी प्लांट्स को सिलेक्ट करें अपने गार्डन के लिए। और यदि आप आपने पहले से गार्डनिंग की हुई है और यदि आप उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कम समय में, तब भी आप इन प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में ऐड करें। कम देखभाल वाले पौधे की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है सदाबहार, यानी कि विनका, जिसको कि बारहमासी भी कहते हैं कई जगह। और ये देशी में दो कलर इसके आते हैं, पिंक और वाइट। आप दोनों ही कलर अपने गार्डन में ऐड करें, ये बहुत ही कम देखभाल में चलता है। और इसकी एक ख़ास विशेषता है कि ये सारा साल फूल देता है क्योंकि इसका नाम ही सदाबहार है। सेकेंड नंबर पे आता है गुड़हल। गुड़हल का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये पिंक और रेड कलर का आता है और हाइब्रिड में तो अभी इसके बहुत सारे शेड और कलर आने लगे हैं नर्सरी पर, वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। तेज़ धूप में भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है, हालांकि सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर भी ये रुक रुक कर सारा साल आपको फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट आता है सुंदर रूपा, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। मैंने एक छोटी सी बाल्टी में इसको लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है एक छोटी सी बाल्टी में। इसका नाम है सुंदर रूपा और ये बिल्कुल सुंदर रूपा, इसका जैसा कि नाम है वैसा ही ये सुंदर भी लगता है। हालांकि इसमें जो फूल है वो बहुत छोटे छोटे आते हैं लेकिन गुच्छों में आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। नेक्स्ट है चांदनी, ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसमें भी गुच्छों में फूल आते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये। इसमें दो वैरायटी आती है, सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न। ये भी बहुत कम केयर में चलता है और गमले में ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आता है कनेर, कनेर भी बहुत सुंदर प्लांट है और ये आपने रोड साइड में लगे हुए देखे होंगे और अभी हाइब्रिड में तो इसके और भी बहुत सारे कलर आने लगे हैं, जैसे वाइट, येल्लो, लाइट पिंक, डार्क पिंक। इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये जितने भी प्लांट मैंने आपको बताए हैं इन सभी की मिट्टी एक जैसे ही बनती है। हार्ड मिट्टी इनको पसंद होती है, पानी का रुकाव इनको पसंद होता है और धूप, अच्छी सनलाइट इनको पसंद होती है। बार बार खाद ना देना पड़े इसके लिए आप जब भी इन प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करें तब उसमें आप कंपोस्ट इसमें ऐड कर दें, और साथ में आप मूंगफली के छिलके भी ऐड कर सकते हैं, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके भी ऐड कर सकते हैं। और ये कंपोस्ट मैं 15 रुपये किलो लेकर के आई थी और कमला नर्सरी से लेकर के आई थी, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप मिट्टी बनाते हैं तो आपको बार बार खाद नहीं देनी होती है, 6 महीने तक तो नहीं देनी होती है, उसके बाद भी आप अपनी घर की बनी हुई खाद दे सकते हैं और उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। और पौधों पर कीड़ा ना लगे इसके लिए आप कोशिश करें कि जब भी आप पौधों को पानी दें, यदि आप नली से देते हैं तो आप नली से स्प्रे करके पौधों के ऊपर और उनकी पत्तियों को अच्छे से वॉश करते हुए फिर पानी दें, जिससे क्या होगा ना कि कीड़ा पौधों पर लगेगा ही नहीं। और यदि आप रोज़ नली से पानी नहीं दे सकते हैं तो आप स्प्रे बॉटल की भी हेल्प ले सकते हैं, उससे कीड़ा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी को कीड़े से बचाने के लिए महीने में एक बार
आप पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करके और 2 से 3 चिमटी आप हल्दी बिखेर दीजिए उसके मिट्टी में, जिससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है और आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है। बारिश के टाइम पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप कोशिश करें कि आप बड़े गमलों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में ऐड करें, छोटे गमलों को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि छोटे गमलों में पानी जल्दी से सूख जाता है, तो उनमें 2 से 3 बार पानी देना होता है। इसके अलावा आप बड़े गमले रखें और उनमें आप 2 से 3 पौधे एक साथ लगा सकते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे का साथ भी मिलता रहेगा और पौधे अच्छे से चलते रहेंगे और आपके समय की भी बचत हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप भी अपने घर में एक ग्रीन एरिया ज़रूर क्रिएट करेंगे। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।